हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सनास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी इजी वेरी टेस्टी जीरा राइस, जो डायरेक्टली मैंने छौंकना बताया है। अलग अलग चावल उबाल के भी अलग छौंक सकते हैं, पर यहाँ हम डायरेक्ट बताएंगे। तो देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कप बासमती चावल लिए हैं, जो हमें अच्छे से दो से तीन बार, ये देखिए ये वाला कप मैंने भर के अच्छे से बासमती चावल लिए हैं। इसमें हमें पहले दो से तीन बार अच्छे से पानी से क्लीन पानी आने तक धो लेना है। तो कम से कम तीन बार मैंने धो लिया है, यहाँ पर तीन बार धोना है। इसके बाद इसमें हम पानी भर के इसे 15 मिनट के लिए भिगो कर ढककर छोड़ देंगे। ये भीग जाने के बाद इसे छौंकना है। ये देखिए 15 मिनट हो गई है, ये मैंने पानी निकाल दिया है। अब जितने चावल लिए थे ये एक कप, उसके ही माप से डबल पानी लेना है। ये देखिए मैंने पानी लिया है, जीरा और दो मीडियम साइज के ऑनियन बारीक चॉप करके लिए हैं, ये दो हरी मिर्च है, नमक है और हींग है। अब मैं छौंकना बताती हूँ कि जीरा राइस कैसे छौंकना है। तो एक तड़का पैन में मैंने एक से डेढ़ टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें हम पहले, ये पैन मैंने प्रीहीट कर लिया था, इसमें हम पहले तड़का करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा घी डालेंगे, क्योंकि जीरा राइस में घी तो पड़ता ही है। तो एक टेबलस्पून भर के मैंने जीरा लिया है। जीरा अच्छे से हल्का रेडिश कलर का भून लीजिए। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाली है। जीरा हल्का भूनने लगे तब हमें इसमें ऑनियन ऐड करना है। ये देखिए हल्का हल्का भून रहा है जीरा, हल्का हल्का रेडिश हो गया है, देखिए रेडिश पिंकिश अभी ऑनियन। ये फुल फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर हमें ये सारा काम करना है। मैं एक मिनट तक ये ऑनियन भून लूंगी। अच्छे से ऑनियन भून लीजिए एक मिनट तक, लेकिन ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, लाइट पिंक होने तक भूनना है। देखिए लाइट पिंक हो गया। अभी हमने हरी मिर्ची ऐड कर ली है। हरी मिर्ची ऐड करके मैं एक चम्मच घी डालूंगी। यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी लिया है, एक टेबलस्पून घी है ये। मिर्ची भी हल्की सी इसमें भून ली है मैंने। ये सब कुछ अच्छे से भून जाए, अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। ये आधी मिनट तक भून लिया था, अब चावल ऐड किए हैं। पानी नहीं ऐड किया है, सिर्फ चावल ऐड किए हैं। अभी इन चावलों को भी इसमें भूनना है, एक डेढ़ मिनट इसे अच्छे से भूनना है चावलों को। ये अच्छे से भून जाए, ये देखिए मैं अच्छे से भून रही हूँ। देखिए एक डेढ़ मिनट तक मैंने भून लिया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। ये चावल का डबल पानी लिया है, सब कुछ हाई फ्लेम पर किया है। ये पानी डालने के बाद ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आने दीजिए। अब इसमें नमक ऐड करना है, नमक स्वादानुसार मैंने एक चम्मच, एक से सवा चम्मच लिया है। ये आपने कितनी क्वांटिटी चावल ली है तो अपने स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। अब इसे अच्छे से चला लीजिए और इसे एक अच्छा उबाल आने दीजिए। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। अब फ्लेम मीडियम करनी है। अब तक हमें हाई फ्लेम पर काम किया था, अब फ्लेम मीडियम। और ये ढक्कन मैंने इस तरह क्यों ढका है, नहीं तो पानी उफन के बाहर आ जाएगा। इस तरह हाफ ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे कर लिया मैंने। 4 मिनट तक वो कर लिया था, अब ये वापस चला रही हूं मैं आफ्टर 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स। हल्का सा पानी कम हो गया है और चावल भी देखिए फूल गए। अब अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है। अब फ्लेम एकदम स्लो और ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए। तो पहले हमने 4 से 5 मिनट पकाया था, अब 3 मिनट पकाया है। तो ये देखिए फुल एकदम ड्राई और चावल एकदम अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए मैं प्रेस करके बता रही हूं, एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो फ्लेम बंद। अब इसमें हम वापस एक टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, अच्छे से भर के एक टेबलस्पून घी ऐड करेंगे।
ये आपकी चॉइस है, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो, इससे कम भी ले सकते हो। और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करके मिक्स करूंगी। मैंने फ्लेम ऑलरेडी बंद कर दी है, ये फ्लेम बंद करने के बाद सब कुछ करना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, धनिया पत्ता का। यही स्टेज पे हम गरम मसाला ऐड कर सकते थे, थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ टी स्पून, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है। तो बस इस तरह बना के देखिए, देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं, एक एक दाना खिल जाता है और बिल्कुल पानी नहीं रहा, पानी भी पूरा ड्राई हो गया और एक एक दाना खिल गया और एकदम छुट्टे चावल बने। ये मैंने गार्निश किया है धनिया पत्ती से, इस तरह खा के देखिए। और जीरा राइस में थोड़ा घी होगा तो ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बनता है। और इसे हम कोई भी चीज के साथ खा सकते हैं, जैसे कि प्लेन दाल हो, दाल फ्राई हो, या कोई ग्रेवी वाली सब्जी हो, या सिर्फ जीरा राइस भी, ओनली जीरा राइस भी बहुत अच्छा लगता है, कोई रायते के साथ भी अच्छा लगता है। तो इस तरह बना के देखिए, बहुत अमेजिंग बनती है ये रेसिपी। और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।